एक रियलिटी बता रहा हूँ, ये एग्जाम कठिन नहीं है। मैंने दिल पे हाथ रखे, मुझे बता दो तुम्हें स्कूल में कितना खाली टाइम मिलता। तब तक कि कोई स्टूडेंट ये बोले कि यार मेरे पास तो गाइडेंस नहीं थी यार। मेरे देखो, जैसे ही जनवरी का टाइम आएगा वैसे ही तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे माँ बाप सब पूछने लगेंगे कि भाई दो साल से इस IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तुम, ये बताओ मार्क्स कितने आए, ये बताओ परसेंटाइल कितना रहा, क्या रहा रिजल्ट, क्या रहा। और जितने भी लोग तुम अपने आसपास देख रहे हो ना, तुमको लगेगा कि यार ये सब लोग मुझे जज करना क्यों शुरू कर चुके हैं, क्योंकि सब के सब लोग इस फिराक में बैठे हुए हैं कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इवन तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो भी तुम्हारे ऊपर एक तरीके का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई हम पैसा डाल रहे हैं फीस में या किसी भी तरीके से, अब इसका हमें रिजल्ट चाहिए। और अब जहाँ जो टाइम पे तुम खड़े हुए हो ना, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेजर बच्चे के पास इस समय नोट्स हैं, इस समय लेक्चर्स हैं, टेस्ट सीरीज है, इस समय सब कुछ है, ठीक है। इवन 1 लाख बच्चा आज के दिन इंडिया में ऐसा होगा जिसके पास ये सारी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन्हीं 1 लाख बच्चे में से मात्र 1% या 2-3% बच्चे के पास मात्र केवल ये वाली क्वालिटीज होंगी जो तुमको अभी अपने अंदर लेकर आनी है। पहली क्वालिटी कि तुम्हें डुएबल बनना है, तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो चीज़ें एग्जीक्यूट करता हो, जो चीज़ें करने में भरोसा करता हो, रेदर देन प्लानिंग। आज के टाइम में मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगा, उस पर भाई आराम से 70-80-90 हज़ार बच्चे उसको देखेंगे, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद भी मात्र 1% ऐसी जनता होगी जो उसको 1 दिन तक अप्लाई करेगी या 2 दिन तक अप्लाई करेगी। तो आज के टाइम में प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहली जो क्वालिटी आपको अपने अंदर डालनी है वो ये है कि अगर आप कोई वीडियो सुनते हो, कोई टिप सुनते हो, तो यार एटलीस्ट उसको एग्जीक्यूट तो करो, ठीक। ऐसे वीडियोज, ऐसे टिप्स यहीं पर मिलते हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें वो रॉ एंड रियल चीज़ें पता लगेंगी। दूसरी चीज़, कंसिस्टेंसी। तुम आज के दिन 8 घंटा पढ़ रहे हो, कल के दिन 8 घंटा पढ़ रहे हो, परसों के दिन 8 घंटा पढ़ रहे हो, ये क्वालिटी कि हर दिन उठ के वापस से फाइट करना है और हर दिन एक लेवल की पढ़ाई करनी है। मिनिमम थ्रेशोल्ड हमारा होना चाहिए कि 8 घंटे आज के दिन मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं आज के दिन 8 घंटा पढ़ूंगा, कल के दिन भी 8 घंटा पढ़ूंगा, परसों के दिन भी 8 घंटा पढ़ूंगा। ये क्वालिटी, 1 लाख बच्चों के पास कोर्स हो सकता है, पर 1 लाख बच्चों के पास ये क्वालिटी में 1%, 2%, 3% के पास भी ये क्वालिटी नहीं है। तीसरी क्वालिटी, टाइम टेबल बनाकर उसको एग्जीक्यूट करना, ये क्वालिटी तो 0.5% के पास भी नहीं है। तो अगर आज के टाइम में तुम कंसिस्टेंटली अपना काम कर रहे हो और लास्ट दिन तक करने की दम रखते हो, तो तुम इस एग्जाम को पार करके ले जाओगे। मैं तुम्हें एक रियलिटी बता रहा हूँ, ये एग्जाम कठिन नहीं है, ठीक है। इस एग्जाम को जब आप पार करके कॉलेज जाओगे ना, जब आप कॉलेज की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ोगे ना, तो आपको अपने आप लगेगा कि भाई मैथ जो मैं, जब आप अपने कॉलेज की फर्स्ट ईयर की मैथ पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि यार ये जे एडवांस की मैथ तो कुछ भी नहीं थी, या जे मेंस की मैथ तो भाई बिल्कुल ही हलवा थी। तो क्या हुआ, ऐसा क्या होता है? इवन अगर आप आज के टाइम में, अगर आपके कोई भैया हो जो NIT में पढ़ रहे हो, इवन प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो, उनसे पूछना, वो भी आज के टाइम में उनको लगेगा कि JEE की मैथ्स तो कुछ भी नहीं थी। तो ऐसा क्या हुआ जिससे उनका JEE का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया? क्योंकि वो कंसिस्टेंटली मेहनत नहीं कर पा रहे थे, वो टाइम टेबल को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, और उनको एक तो स्ट्रैटेजी वगैरह बताने वाले कोई भैया नहीं थे। अब तो सब चीज़ें यूट्यूब पर अवेलेबल है, पर वो बताने के बाद भी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। असली गेम एग्जीक्यूशन का है, ये गेम, ये आपकी स्प्रिंट नहीं चल रही है, ठीक है। एक कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति हो सकता है जो पढ़ने में बहुत बेहतरीन हो, जो पढ़ने में बहुत ही तेज हो, टॉपर हो क्लास का, लेकिन लॉन्ग रन में एक लंबी दौड़ में कौन कंसिस्टेंटली भाग सकता है, रोज उठ के 8 घंटा 10 घंटा काम कर सकता है और उसके बाद आखिरी दिन तक लड़ सकता है, अपने टाइम टेबल, अपने शेड्यूल को एग्जीक्यूट कर सकता है, चैप्टर्स को खत्म कर सकता है, फाइट मार सकता है, वो व्यक्ति इस लड़ाई को जीतने वाला है। और अगर तुम ये क्वालिटीज अपने अंदर इंग्रेव कर लेते हो, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हो, तो अभी अगर नहीं जगोगे तो फिर जगना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि यार वो ना आज के दिन में बैकलॉग में फंसे हुए हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा बैकलॉग फ्रंटलॉग क्या है? तुम्हारे पास एक कोर्स है, ठीक है, मान लो तुम्हारा 11th का एक चैप्टर ले लो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वो नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको तुम बैकलॉग क्यों काउंट कर रहे हो? उसको तुम काउंट करो कि वो चैप्टर मुझे भी करना है, दैट इज द फ्रंट लॉग, वो एक पूरा कोर्स है। मेरे को 11th और 12th का कोर्स नहीं देखना, मेरे को देखना दिस इज एन IIT JEE कोर्स। तो अपना माइंडसेट आप पॉजिटिव रखो, अपना माइंडसेट आप ऐसे रखो कि मुझे चीज़ों को करना है, ऐसे नहीं कि मेरी चीज़ हुई नहीं है, मुझे करना है, मैं करूँगा, मैं कर लूँगा, ठीक है। तो आप इस तरीके के माइंडसेट पे जाओ और सिलेबस कंप्लीशन के पीछे अभी थोड़ा सा मत भागो। अभी आप एटलीस्ट नवंबर तक चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो कि यार अपने कोचिंग के अच्छे से लेक्चर देखे, अच्छे से DPPs करी, सवालों को बढ़िया बढ़िया सवाल लगाए, ताकि नवंबर दिसंबर का जब टाइम आएगा ना, तो वो हम एक महीने में आखिरी में जितना भी कोर्स रह जाएगा उसको हम लोग फटाफट से 1 शॉट रिविजन बैच स्क्रैच कोर्स से कर लेंगे। लेकिन अभी हमारे पास वो टाइम है जब हम चीज़ों को आराम से कर सकते हैं, तो उसको हमें आराम से करना है, अच्छे से करना है। क्वालिटी क्वेश्चंस को हमें प्रेफरेंस देनी है,
और क्वालिटी को प्रेफरेंस देनी है रेदर देन क्वांटिटी। अभी आप तेजी से सिलेबस कंप्लीट करोगे, किसी दूसरे व्यक्ति को देखो उसका सिलेबस, भाई कहेगा मेरा सितंबर तक हो गया, सितंबर के बाद क्या करोगे यार, उसके बाद भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, टेस्ट देने पड़ेंगे। उससे अच्छा है आप अच्छी तरीके से क्वालिटी वाइज सिलेबस कंप्लीट करें। एंड एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इस समय अगर आप 10 घंटा दिन की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, स्कूल छोड़ो भाई, स्कूल जा रहे हो, तुम्हें खुद पता है, ठीक है, तुम अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बता दो तुम्हें स्कूल में कितना खाली टाइम मिलता है, ठीक है, तुम्हें रिसेस तो मैं कह रहा हूँ चलो इंटरवल रिसेस तो चलो एक बहुत ही वो तो है ही खाली, उसके अलावा भी यार तुम बता दो तुम कितनी पढ़ाई करते हो। मेरा भाई है वो स्कूल जाता है भाई, वो 12th 11th में मेजर पीरियड उसके गेम पीरियड जा रहे होते हैं, ठीक है भाई, किसी टाइम वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी टीचर नहीं आ रहा है, कभी टीचर आ भी रहा तो टीचर इज नॉट दैट सीरियस, तुम पढ़ सकते हो। भाई तुम अपने स्कूल का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, अपने स्कूल के टाइम में भी यार अपने नोट्स हो गए, DPPs हो गए, शीट्स हो गए, उसको लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा भाई इसमें। आप वहां पर एटलीस्ट चलो बैठ के आप लेक्चर नहीं देख सकते, आप वहां पर बैठ के रीडिंग तो कर सकते हो, एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लो। मैंने कितने वीडियो में आपको बोला है कि केमिस्ट्री की जो मेजर पेपर बनेगा वो एनसीईआरटी से बनेगा, तो मेरे भाई एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लो, है ना, एटलीस्ट आप अपने लॉसेस को तो मिनिमाइज कर सकते हो। ये जरूरी तो नहीं है ना कि यार हर चीज़ हमको एस्टिमिज्म पे ही करनी है, ठीक है कोई बात नहीं, स्कूल एक हमारा एक ऐसी चीज़ है जो हमको IIT से खींच रही है, कोई बात नहीं, कम खींच सकती है, समझ रहे हो। तो आप ये कोशिश करें कि आप स्कूल में लॉसेस को मिनिमाइज करें, जितने टाइम आप घर पे हो उसको मैक्सिमाइज करो, मेजर टाइम अपनी पढ़ाई में लगाओ, ठीक है, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन एटलीस्ट 6 महीने के लिए चीज़ छोड़ के देख लो। भाई देखो गेम 6 महीने का है, मैं बार बार आपसे हर वीडियो में बोलता हूँ गेम 6 महीने का है, और वो 6 महीने शुरू हो चुके हैं, रेस शुरू हो चुकी है, तभी हम लोग भी अब चीज़ें प्लान कर रहे हैं आपके लिए कि कैसे हर एक स्टूडेंट तक हर एक चीज़ पहुंचानी है। तो हमारा मेंटरशिप का बैच भी आ रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी आजकल में परसों में लॉन्च करेंगे, वहाँ पर भी हम एक एक बच्चे को कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं कि उनको बेस्ट से बेस्ट चीज़ पहुँचाने की कोशिश करें। मैं आपके साथ बैठूंगा, मैं आपके साथ बैठ के हर एक चीज़ बनाऊंगा, हर चीज़ डिसाइड करूंगा। आपके लिए इतनी प्यारी टेस्ट सीरीज बनाई है जय संकल्प पे कि आप चैप्टर कंप्लीट करो, फिर वापस वहाँ जाके टेस्ट दो, वहाँ जाके टेस्ट में आपको अपने आप पता लगेगा कि आपका चैप्टर किस लेवल पे कंप्लीट है। 3 लेवल के हमने क्वेश्चन डाल रखे हैं, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए इसलिए बनाई जा रही हैं कि आप इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करो, इसलिए नहीं बनाई जा रही है कि आपके लिए हम कि भाई ये चीज़ हमने बना दी अपने से आपको करना करो, नहीं, हम चाह रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचे। क्योंकि अल्टीमेटली जब जनवरी में आपके जब पेरेंट्स और आपके जब रिश्तेदार आपके जब दोस्त आपसे पूछेंगे ना कि रिजल्ट क्या रहा, क्या आया जेई मेंस में, क्या आया, कितने नंबर आए, तो मैं नहीं चाहता कि कोई स्टूडेंट ये बोले कि यार मेरे पास तो गाइडेंस नहीं थी यार, जो मेरे साथ केस था यार मुझे सब पता नहीं था यार, मैं तो बस तैयारी करता गया, अच्छा ये ऐसे हो, कोई नई बात ना पता लगे आप। एटलीस्ट हर एक स्टूडेंट तक गाइडेंस पहुंचे, एटलीस्ट हर एक स्टूडेंट तक ये हो कि यार नहीं 6 महीने पहले संकल्प भैया ने बोला था कि अब से डट जाना, मैं डट गया, मेरा रिजल्ट आया, तो डट जाओ। और अब वो समय है जब आपको अपना 100% देना है, ठीक है, ये मैं मोटिवेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। आप 6 महीने बाद जब आपका जेके एग्जाम हो जाएगा ना, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद रियलाइज करोगे अगर आप आज के दिन में नहीं जागे तो, आज के दिन में आपने मेहनत करना शुरू नहीं करी तो सब चीज़ें छोड़ दो, अपने लाइफ को अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से मैनेज करो, ठीक है, प्रिपरेशन मैनेज मत करो। तो अगर आप इस हिसाब से चलते हो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा IIT, बहुत अच्छा NIT में आपका एडमिशन होगा। और हर एक स्टूडेंट अपने पूरे पोटेंशियल पर अगर मेहनत करेगा तो अगर एटलीस्ट कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ, मान लो वर्स्ट टू वर्स्ट केस में, मेहनत करना तो आ जाएगा कॉलेज अंदर, तो मेहनत कर लोगे कहीं ना कहीं, तो भाई सर बढ़ के कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे, तो वो चीज़ है। और 100% दो अपना, ठीक है, मेंटरशिप बैच बहुत जल्दी हम लेके आते हैं, अपना टेस्ट सीरीज हमारी चली रही है, जाके अगर आप बाय करना चाहो कर लो, हमारे लिंक में आपको दे दूंगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, नोट्स वगैरह सब टेलीग्राम पे हैं, ठीक है, चलो अपना टारगेट IIT कमेंट करो। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सिंगल वर्ड।